आवक का हाल चाल, आयात निर्यात पर पैनी नजर, जानकारों की सटीक सलाह, सिर्फ मंडी खबर में सोमवार से शनिवार सुबह 8:05 पर। हजारे का मुखिया कौन, यहाँ बात बात पर होती है मस्ती फन फुल। हजारे का मुखिया कौन, हजारे का मुखिया कौन, हजारे का मुखिया कौन। स्वागत है आपके फेवरेट शो जिसका नाम है हसाने का मुखिया कौन। मैं बताना चाहूंगी हमारे यहाँ पे आज एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट आए हैं जिनको गूगल बॉय के नाम से जाना जाता है, द वन एंड ओनली मोहम्मद आयान। तालियां। कुछ भी पूछ सकते हो, आप किसी भी कंट्री की कैपिटल पूछ सकते हैं। सवाल की बात आती है हम यहाँ पे आपसे, क्योंकि आपने कहा कि आप किसी भी कंट्री की कैपिटल बता सकते हैं, तो मैं बहुत जल्दी जल्दी कुछ कंट्रीज बोलूंगी और देखती हूँ कि कितनी जल्दी जल्दी आपको एक मिनट अभी पूछते हैं। पर मेरे पास ना यहाँ पे अपने एक और बंदा है जो बोलता है कि मेरे को सब कुछ पता है। अच्छा, हाँ जी हाँ जी, वो है हमारा राजीव गोल्डी। तो एक बार जोरदार तालियां हो जाए राजीव गोल्डी के लिए। जो भी आपसे पूछा जाएगा उससे पहले जवाब दे ये देंगे, ठीक है? तो चलिए सवाल शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल, कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया। हाँ जी बोलिए। इसी को पूछो। अरे आप तो बताओ, क्या तेरे को इतना नहीं पता ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल कौन सी है? तुम्हें बताना, तुम्हें पता है? मैं अभी बता देता हूँ, बताना भाई कौन सी है। कैनबरा। तालियां। वेरी गुड बेटा, शाबाश। कैपिटल ऑफ जर्मनी। एक मिनट, हाँ जी बोलो। किधर जा रहे हो बताओ? जर्मनी। बर्लिन। शाबाश। श्रीलंका। श्रीलंका की कैपिटल कोलंबो है। फिनलैंड। मुझे पता था ये। फिनलैंड की कैपिटल हेलसिंकी है। घाना। घाना की कैपिटल लग रहा है। बेटा आइसलैंड। आइसलैंड की कैपिटल रिकियाविक है। रिकियाविक है। गुड। डेनमार्क। डेनमार्क की कैपिटल कोपेनहेगन है। टर्की। टर्की की कैपिटल अंकारा है। जरा इनसे पूछ लेते हैं। हाँ, तू जयपुर की राजधानी कहाँ है? हाँ जी, जयपुर की राजधानी। जयपुर की राजधानी। हाँ हेलो, कौन बोल रहे हो? फोन आने के लिए फोन होना भी चाहिए। ब्रह्मांड की क्या परिभाषा है? अस्तित्व मान द्रव एवं ऊर्जा के सम्मिलित रूप को हम ब्रह्मांड कहते हैं। जोरदार तालियां। क्या बात है। एक प्रश्न मैं तुमसे लास्ट में और पूछूंगा। आप मुझे पहचानते हो कि मैं कौन हूं? मैं सिख धर्म से बिलोंग करता हूं। पता है। तुम जानते हो कि हमारे गुरु कितने थे? कितने थे? 11। मैं उनके नाम भी बताऊंगा। पहले गुरु गुरु नानक देव जी, दूसरे गुरु गुरु अंगद देव जी, तीसरे गुरु गुरु अमरदास जी, चौथे गुरु गुरु रामदास जी, पांचवे गुरु गुरु अर्जन देव सिंह जी, छठवे गुरु गुरु हरगोबिंद जी, सातवे गुरु गुरु हर राय जी, आठवे गुरु गुरु हर कृष्ण राय जी, नौवे गुरु गुरु तेग बहादुर जी, दसवे गुरु गुरु गोविंद सिंह जी और 11वे गुरु श्री ग्रंथ साहिब। बच्चे
अच्छे, थैंक यू सो मच। चलिए बुलाते हैं अपने अगले परफॉर्मर को, जो आए हैं उज्जैन से, दी वन एंड ओनली अमोल सोनी। हेलो, बस 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 बस, अब सब में पहले यह बताओ मुझे, वो बाटल का पानी किसने पिया था? आप, मैं बताता हूँ, वो दो लाया, अब मैं आपको बताता हूँ। ये देखो, ये हिमांशु भवंडर की, ये इसलिए क्योंकि सारे नंबर तो गोल्डी ले गया। ये एक और दिखा रहा हूँ, केसर देव मारवाड़ी, इन आंसुओं में तो मुझे 16 नंबर भी दिख रहे हैं। और दो बाटले और है मेरे पास, ये नवनीत की, कि इतना भूलने के बाद भी सलोनी 18 ले गई। और ये मेरे आंसू है जो मैंने पहले ही निकाल दिए, नंबर मिलने के बाद तो निकलने ही थे। और ये खाली बॉटल और है ताऊ के लिए, दादा तुम कितना भी अच्छा कर लो, छोरी नहीं गिराने वाली। मुझे फिर से मौका दिया उसके लिए मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहूंगा दोनों जजों का, उनके लिए जोरदार तालियां हो जाए प्लीज, कम ऑन। बस इतनी भी ज्यादा नहीं, सबसे पहले आ जाते हैं अपन अपनी दुकान पे। सर मैं आपसे बहुत नाराज हूं क्योंकि आपकी वजह से मेरे ब्रेकअप हुए हैं। आपको पता है मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझसे पूछा कि तुम्हारा आइडल कौन है, मैंने बोला प्रताप फौजदार जी यार, क्योंकि नंबर उनसे ही लेने। तो मेरे को बोलती ब्रेकअप, मैंने बोला क्यों, बोले जिसका आइडल प्रताप फौजदार है वो क्या रोमांस करे यार। फिर मैंने आइडल बदल लिया क्योंकि अपन तो साहब कॉमेडियन आदमी है, जहां नंबर मिले वहीं पैर पड़ते हैं। तो इस बार मैंने बोला मेरे आइडल राजीव ठाकुर जी है, मैंने हैंडसम आदमी के बारे में कह रहे हैं। तो मैंने बोला, उसने फिर बोला ब्रेकअप, मैंने बोला क्यों, बोले इतना प्यार सेन नहीं होता। अब मैंने सोचा क्या करूं, तीसरा मौका मैंने फिर से मना लूं, मैंने बोला इस बार मेरा जो आइडल है वो बलराज भाई है, हैंडसम पर्सनैलिटी। बोले ये कौन है? अब साहब कमाल की बात तो ये है कि जब मैंने बोला बलराज जी एक बड़े एंकर है, बड़े बड़े कॉमेडी शो किए हैं, तो उसने इस बार मुझे ब्रेकअप नहीं बोला, सीधे जाके वहां बैठ गई। और ये उसी का जादू है कि 6 फीट का बलराज 3 फीट का ताऊ हो गया। वो टाइम था जब बेस वाले एंकर होते थे, अब तो कोई भी पतला मोटा बन जाता है। नहीं ताऊ आप बुरा मत मानना कि पहले बेस वाले एंकर होते थे, आजकल तो बेसलेस एंकर। नहीं सर, बेस होता है लेकिन मुंह पे। हाय शर्माओ, किस किस को बताओ, कैसे कैसे मैं सुनाऊं। प्रेम साहब आ गए, प्रेम साहब आ गए, 56-54 की गाड़ी, 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 3 निशानियां किसको बताऊं, कैसे कैसे मैं रॉय। निशानी बता, निशानी बता, हेलमेट पहना, पीछे छोरी बेटी आगे बच्चा बैठा है, पीछे छोरी बेटी आगे बच्चा बैठा है, पीछे किसको बताऊं कैसे कैसे। अब आगे जाके FM का टाइम आया, आरजे चालू हो गए। आरजे के टाइम पे क्या हुआ, गाने बहुत सारे हो गए, इनके पास टाइम नहीं है, तो बिल्कुल इस तरह से अनाउंस करते हैं, वेल गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, मेरा नाम है अलबेला अमोल, क्या सुनना चाहेंगे आप, सुबह के नमकीन गाने या फिर शाम के चटपटे सॉन्ग। ये जब चटपटे सॉन्ग बोलता था मुझे ऐसा लगता था गाना बजाने नहीं, मसाला बेचने आया ये। अब इनको रात को 10 बजे उज्जैन के प्रकाश मालवी ने फोन कर दिया, अब लव गुरु कुर। हेलो, हाँ बोल भाई। मैं लव गुरु बोल रहा हूँ, आप? मैं प्रकाश। बोलिए क्या समस्या? तू यार चुप रिया कर यार। देखिए देखिए, मुझे बोलने का पैसा मिलता तो मैं क्या फोकट हो रहा। देखिए मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपकी समस्या क्या है। यार मेरा पीरिया सा सटल है।
ये सटल क्या होता है? अब सटल सबको पता, ये पूछ प्रिया कौन है। प्रिया वही हंसाने का मुखिया कौन की एंकर। अपनी प्रिया कोई और है। तो बताइए मैं क्या कर सकता हूँ। देखो यार, मेरी प्रिया जो है उसकी शादी हो गई है और मैं उससे प्यार करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि वो भी मेरे पास आ जाए। देखिए ये बहुत गलत बात है, आप प्रिया शादीशुदा है उसके साथ ऐसी बातें नहीं कर सकते, बहुत गलत है। तेरी औरत है। बताइए क्या समस्या है, तो बताइए मैं क्या करूं। अरे कुछ नहीं, आप उसके पति को फोन करो और बोलो छोड़ दे और मेरे पास आ जाए। हां इतना सा काम कर ले, चल छोड़ कर। अब लव गुरु बोलते हैं ठीक है भाई, फंस गया क्या करे। तो ठीक है, आप मुझे उसके पति का नाम और नंबर बता दीजिए, मैं समझा दूंगा। देख भैया, उसका नंबर तो नहीं मालूम, नाम अनिरुद्ध पांडे सुना, रात को 10 बजे लव गुरु बना फिरता है। सेलिब्रिटी वाली फील में आ गया है लड़का। नहीं नहीं, बहुत अच्छा, फॉर्म में वापस आ गया बंदा। फॉर्म में आया या पता नहीं दिमाग में अकल आ गई है या अकल ठिकाने आ गई है, कुछ तो हो गया। लेकिन यही था तू जो बीच में एक एपिसोड के लिए गायब हो गया था, यही चाहिए था, जो इम्प्रॉम्प्टो है, जो वन लाइनर है, जिसके पास आइटम है, जिसके पास वेरिएशन है, वॉइस मॉड्यूलेशन है, और उसके बावजूद साथ साथ में पंचीज है, यही था वो जो खो गया था, वापिस मिल गया हमारे हसाने के मुखिया कौन को। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया पांडे। तो लेकिन एक बात बताऊं तेरे को, ये चीज हमने बहुत बार सुनी है, मिक्सिंग की, लव गुरु की, इनकी, लेकिन जो तेने ऑब्जर्वेशन निकाले ना, और बीच बीच में जो मालवी टोन और उस स्टाइल का जो तेने प्रयोग किया है, वो इतना अच्छा था कि मेरे अंदर तक गया, मेरे दिल तक गया। जो उम्मीद हम कर रहे थे ना, उस पर खरा उतरा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। चलिए स्कोर्स हो जाए। क्या बात है, परफेक्ट 20, बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच, और एक बार जोरदार तालियां फॉर अमोल सोनी। थैंक यू सर। तो चलिए ये हंसने हंसाने का सफर यूं ही चलता रहेगा, पर अब बारी आ गई है एक छोटे से ब्रेक की। तो ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे हमारे शो में, जिसका नाम है हंसाने का मुखिया कौन। यह बात बात पर होती है मस्ती फन फुल ऑन। हंसाने का मुखिया कौन, हंसाने का मुखिया कौन, हंसाने का मुखिया कौन, हंसाने का मुखिया कौन। पचास साल से लगातार कृषि दर्शन है आपके साथ, खेती की नई तकनीकों से लेकर किसानों की हर समस्या का हल, जारी है कृषि दर्शन का ये सफर। किसान चैनल के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 5:30 पर। हजाने का मुखिया कौन, यह बात बात पर होती है मस्ती फन फुल ऑन। हजाने का मुखिया कौन, हजाने का मुखिया कौन, हजाने का मुखिया कौन। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके फेवरेट शो, जिसका नाम है हजाने का मुखिया कौन। तो चलिए बुलाते हैं अपने अगले परफॉर्मर को, जो आए हैं उज्जैन से, द वन एंड ओनली हिमांशु बवंडर। आप सबको प्रणाम करता हूं, सत श्री अकाल, जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। रहता हूँ चैन से, आया हूँ उज्जैन से। एमपी बहुत बड़ा है, आपने सबको अपने जैसा छोटा ही समझ रखा है क्या? सर मैं तो सोच रहा था मेरे ही ग्रहमान खराब चल रहे हैं, लेकिन
प्रिया जी को देख के कॉन्फिडेंस आ गया। हाँ, मतलब ये देखो आप, कैसे कैसे लोग ऐसे वैसे हो गए और ऐसे वैसे लोग देखो कैसे कैसे हो गए। जाने कहा कि खुशबू वो खत में डालता है, ताऊ आओ बताओ। जाने 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 कहा कि खुशबू वो खत में डालता है, बैठे बिठाए सबको आफत में डालता है, और धड़कन बना हुआ है अब भी जवां दिलों की, धड़कन बना हुआ है अब भी जवां दिलों की, बूढ़े का कारनामा हैरत में डालता है। सर कुछ आदतें ऐसी होती है ना जो अपने प्रोफेशनल लाइफ से घुस के जब अपनी पर्सनल लाइफ में आती तो हास्य पैदा होता है। जैसे सर आपने पिछले दिनों बोला था फौजदार साहब कि मैं महीने में 20 एक प्रोग्राम करता हूँ, आपका पहला ही पंच स्टार्टिंग वाला, ओया छोरा सरदार की फोटो खींच रहा है छोरे, ओ भाई सरदार की फोटो किसी भी एंगल से खींच, एक जैसी आती है। बात हो कि नहीं है भाई साहब, भाभी जी के साथ लंदन गए, प्लेन में नींद लगी और नींद में भी, ओए छोरे भाभी जी ने उठाया, बोले क्या हो गया, बोला हुआ तो कुछ नहीं, बात समझ में आई हो तो एक बार जोरदार ताली बजा के बताओ। ठाकुर साहब रिसर्च तो आप पर भी किया है हमने, रिसर्च से पता चला है कि आपके पिताजी का बैटरी का कारोबार था, अब वहां पे कर्मचारी जो है परेशान हो जाते थे, बाबूजी इसमें करंट नहीं आ रहा है, डिस्टिल वाटर लगा के देख, बाबूजी इसमें वोल्टेज शो नहीं कर रहा है, तू डिस्टिल वाटर यूज करके देख, बाबूजी ये करंट नहीं ले रही है, तू डिस्टिल वाटर यूज करके देख। एक दिन भाई साहब बीमार हो गए, माता जी ने पिताजी से बोला कि ये इसको खांसी चल रही है, राजीव को क्या करे। अब सर मैं आपको एक प्रयोग करके दिखाना चाहता हूं, आप आने वाली चार लाइनों में कविता भी देखिएगा, कवित्व भी देखिएगा, भाव भी देखिएगा और पंच भी देखिएगा। एक हिंदी का प्रोफेसर, उसने प्रणय निवेदन किया, एक लड़की से कहता है कि मैं तुझसे शादी करना चाहता हूं, प्रस्ताव कैसे रखता है सर वो शादी का, साहित्य की अग्नि प्रज्वलित करता हूं साक्षी मानकर, फेरों वाला प्रवाह करोगी, आत्मा के भाव से हो रहा मंत्रोच्चार, मेरे जीवन की नई राह में संग पग धरोगी, और गीतों का सिंदूर चुटकी भर, छंदों की पायल, कविता का मंगल सूत्र पहनकर इसी क्षण मुझसे विवाह करोगी। वो लड़की भी ऐसे ही देख रही थी जैसे आप लोग देख रहे हो। क्या बात सर, फिर उसने 15 सेकंड देखने के बाद इस चीज का जवाब ये दिया। बोले यार दिक्कत क्या हो गई। बोले भाई दिक्कत कुछ भी नहीं हुई है, बाकी जीवन खराब नहीं करूंगी छंद और चौपाई में, मुझे मालूम है व्याकरण ही देगा मुंह दिखाई में। ये मंच बहुत प्रतापी है, अच्छो अच्छो को उनकी माँ याद आ गई यहाँ पे, लेकिन मुझे यहाँ पर आके मेरी माँ याद नहीं आती साहब, क्योंकि मैं खुद ही सोचता हूं कि जब मैं इस मंच पर खड़ा हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपनी माँ की गोद में ही बैठा हूं। चलिए। अरे अभी बाकी है, जोरदार तालियां हो जाए। आप लोग पहले खड़े हो गए, मैं ये बोलना चाह रहा था कि जब मैं इस मंच पर होता हूं तो मुझे ये लगता है कि मैं अपनी माँ की गोद में होता हूँ, और आप यकीन मानिए अगर एक व्यक्ति अपनी माँ की गोद में बैठा हो तो वो दुनिया के सर्वोच्च शिखर पर स्वतः स्थापित हो जाता है। बहुत खूबसूरत। चलिए हमारे जजेस से पूछते हैं कि कैसी लगी ये परफॉर्मेंस। सुहाग फाइनली बवंडर आ गया। थैंक यू सर। ये जो अच्छे अच्छे कलाकार बीच में आकर हमें चकमा देते हैं, हम चाहते हैं कि वो अब हर कदम फूंक फूंक के रखें, हर कदम ऐसा रखें कि जहां पता हो कि छंद भी आएगा, कविता भी आएगी और पंच भी आएगा। द
तभी बात बनेगी। अकेले छंद से भी नहीं, अकेली कविता से भी नहीं, हाँ अकेले पंच से बन सकती है। सो इस बात का ध्यान रखिए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, थैंक यू। यही वापसी चाहिए थी और वापसी कर ली। मुझे ऐसा लगता है कि महाकाल की बहू तुम दोनों को फिर से शायद किसी ने भेज दी है और तुम उस रंग में आते जा रहे हो। बहुत अच्छा था गोविंदा, इसमें कोई शक नहीं है कि माँ से बड़ी इस पूरी सृष्टि में कोई चीज नहीं। नंबर 9 और नंबर 10 क्या बात है। चलिए थैंक यू सो मच हिमांशु, अब आप बैक से जा सकते हैं, बहुत खुशी खुशी ये 19 नंबर मिल चुके हैं, जोरदार तालियां हो जाए। तो चलिए सर, जैसा कि हर एपिसोड के अंत में ये रूल है कि एक एलिमिनेशन होगा, उसी तरह से मैं बुलाना चाहूंगी अपने सभी पार्टिसिपेंट्स को मंच पे, एक बार जोरदार तालियां हो जाए। सीधा नहीं यहाँ कुछ भी, सब होगा उठ पटांग, मस्करों की फाइट में पंचेज होंगे स्ट्रांग, यहाँ बात बात पर होती है मस्ती फन फुल ऑन। तो अपने अपने दिलों की धड़कनों को थाम लो, क्योंकि अब वो वक्त आ चला है जब एक एलिमिनेशन यहाँ पे होगा, और मेरी गुजारिश है सर आपसे कि वो नाम हमें बता दिया जाए। पहले तो बहुत बहुत बधाई कि वाकई में ही सब लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं और लग रहा है कि हम सच में ग्रैंड फिनाले की ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन बहुत अच्छे, और मजबूरी है कि किसी एक को जाना है, सो आज केसर जी आपका दिन नहीं था, सो आज आपको ही जाना होगा। आप बहुत अच्छे कलाकार हैं, बड़े इस मंच पर हमें दुख के साथ आप जैसे कलाकार को भेजना पड़ रहा है, तो इसका मतलब समझ सकते हैं कि ये टैलेंट, ये मंच कितना बड़ा हो गया है। केसर देव जी, जब 11 में लिए गए थे यहाँ पर प्रतिभागी, तो उसमें परमात्मा ने आपका साथ दिया, भाग्य ने साथ दिया, जो भी समझो, या संयोग बना और आपको ये चांस मिला था। लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि आप उसको भुना नहीं पाए। मुझे लग रहा था आप ग्रैंड फिनाले तक की यात्रा करेंगे, लेकिन कोई बात नहीं है, थोड़ा सा आप ज़्यादा बुद्धिजीवी हो गए आज, उतना नहीं, हंसी के लिए कोई, देखिए अगर आप वास्तव में कॉन्शियस हो गए तो निश्चित रूप से समझ लो कि आपकी हंसी गई, सामने वाले हंसेंगे नहीं, आपका ह्यूमर खत्म। हमें केवल हंसी चाहिए, हमें कोई कविता नहीं चाहिए, एक आध दो पंक्तियां झेल सकते हैं हम, वो तो राजीव पे तो उतनी भी नहीं झेलती हैं, वो तो मैं टेका लगा देता हूँ कि बैठा रहे भाई बैठा रहे। और बेटी, आपको नंबर हमने दे दिए थे, कोई बात नहीं, आप बच गई हो, ये चले गए हैं, लेकिन थोड़ी सी तैयारी करके आओ प्लीज़। गोल्डी, तुमने बहुत अच्छा किया, और तुम दोनों महाकाल के सेवक लग तो महादेव के गण ही रहे हो, वैसे तुम दोनों अच्छे फॉर्म में हो भैया, इस फॉर्म को बनाए रखना, परमात्मा तुम्हारा साथ है, महाकाल तुम्हारे साथ है। तो चलिए आज इस सफर में से एक हम सफर जो है वो यहीं पे, आपकी यात्रा जो है वो यहीं समाप्त होती है हंसाने का मुखिया कौन के साथ, पर बाकी के चारों को तैयारी करनी है पूरे जोर शोर से। तो मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में हमारे शो में, जिसका नाम है हंसाने का मुखिया कौन। सीधा नहीं यहाँ कुछ भी, सब होगा उठ पटांग, मस्करों की फाइट में पंचेज होंगे स्ट्रांग, यहाँ बात बात पर होती है मस्ती फन फुल ऑन। हंसाने का मुखिया कौन, हंसाने का मुखिया कौन, हंसाने का मुखिया कौन, हंसाने का मुखिया कौन, हंसाने का मुखिया कौन।
हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर हीना गावित, जो कि नंदुरबार महाराष्ट्र के लोकसभा सांसद हैं। डॉक्टर बनने के बाद मैंने कई हेल्थ कैंप्स लिए और हेल्थ कैंप्स जब मैं ले रही थी तो मुझे हेल्थ के साथ साथ कई सारे दूसरे प्रॉब्लम्स भी हमारे क्षेत्र के सामने आने लगे। तो उस समय मैंने ये तय किया कि मुझे इन सब प्रॉब्लम्स को भी अगर सॉल्व करना है तो पॉलिटिक्स में आना होगा, और तब मैंने ये निर्णय लिया कि मुझे सांसद का चुनाव लड़ना है। देखिए मेरे साथ नेत्री, महिला सांसद और उनकी कहानियाँ डीडी किसान पर। इस हफ्ते बात होगी राजस्थान के चुरू जिले की और उसकी एक ग्राम पंचायत घांगू की, जिसने विकास पथ पर आगे बढ़ते हुए लोगों को तरक्की का उजाला दिखाया और पंचायती राज मंत्रालय से दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार प्राप्त कर सम्मान हासिल किया। जानने के लिए देखिए डीडी किसान पर नया दौर 22 मार्च सोमवार दोपहर 4:30 बजे। ये किसे राखी बांधने की तैयारी कर रही हो तुम? रामू भैया को बांधने जा रही हूँ। उसके घर का पानी तक मत पीना, राखी बांध के सीधे लौट आना, और हो सके तो अगले साल किसी और को भाई बना ले। मुझे पैसे नहीं चाहिए। क्या चाहिए तुझे? मुझे मेरी भाभी चाहिए। दामन मिट्टी का सोमवार से शुक्रवार रात 9:30 बजे डीडी किसान पर। ए मेरे विट्ठल, तुम्हारी कृपा से मेरी बरसों पुरानी इच्छा पूरी हुई। मुझे नहीं याद कि मैंने इसे आशीर्वाद कब दिया। कल जब मुझसे भेंट करने आना तो अपने अपने घर से एक एक पुराना कपड़ा अपने साथ लेते आना। अपने पहने उतरे वस्त्र अपने भगवान को? नहीं नहीं, आस्था का पथ बड़ा कठिन होता है भाई जबाई। राम जी भी भला करेंगे। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक साई बाबा, देखिए सोमवार से शुक्रवार रात 8:30 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। दूर से देखने में यह गांव बहुत ही खूबसूरत दिखाई पड़ता है। पहाड़, धरती को छूता आसमान और दूर दूर तक फैली हरियाली यहां रहने वाले लोगों की आशावादिता को दर्शाती है। पेंकी लेपचा ने अपनी कामयाबी का एक लंबा सफर तय किया है। एक दिन मेरे घर में मेरा बच्चा बीमार हो गया था। उस समय हमारे पास इतना पैसा नहीं था कि हम बच्चे को अस्पताल ले जा सके, और उस दिन से मुझे महसूस हुआ कि पहले मैंने कुछ पैसा जमा करके रखा होता तो ऐसा दिन नहीं आता। बेमिसाल बेटियां हर बुधवार सुबह 7:30 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। उत्तर प्रदेश की औद्योगिक नगरी कानपुर से लगा हुआ जिला कानपुर देहात है। कानपुर देहात खाद्यान्न के क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यहाँ मुख्य रूप से धान, गेहूं और सब्जियों की खेती की जाती है। कानपुर देहात के विकास खंड मैथा का मझियार गांव भी खाद्यान्न फसलों के उत्पादन के लिए जाना जाता है। माया देवी मझियार गांव की रहने वाली हैं। इनकी उम्र लगभग 48 वर्ष है। माया जी के पास 3 बीघा जमीन है जिसमें वो स्वयं खेती करती हैं। कृषि विज्ञान केंद्र दलीप नगर कानपुर देहात से जुड़ने से पहले माया देवी तकनीकी ज्ञान के अभाव में अपनी खेती से अच्छा आर्थिक लाभ नहीं कमा पा रही थी, जिसके कारण उनके दैनिक जीवन में समस्याएं बनी हुई थी। हमारे पास 3 बीघे जमीन है, उसमें मैं थोड़ा सा गेहूं धान कर लेती हूँ। इसके बाद सारी जो बचता है उसमें सारी सब्जी उगाती हूँ। जब मैं केवीके से नहीं जुड़ी थी तब मेरा परिवार अच्छे ढंग से नहीं चल पा रहा था। कहीं धनिया बोती थी, कहीं चुटुर पुटुर कर लेती थी, उससे मुझे कोई जानकारी भी नहीं थी। जब से मैं मुझे जानकारी हुई तब से हमारा सारा खर्च अच्छे से चलने लगा।
साल 2014 में माया देवी ने कृषि विज्ञान केंद्र कानपुर देहात से गृह वाटिका में प्रशिक्षण प्राप्त किया। उन्होंने वैज्ञानिकों के सहयोग से अपने घर के पास 250 वर्ग मीटर की एक गृह वाटिका का निर्माण किया। इसमें वह सब्जी उत्पादन का कार्य करने लगी। घर में प्रयोग के बाद बची हुई सब्जियां उन्होंने बाजार में बेचना शुरू किया और उससे आर्थिक लाभ भी कमाया। सब्जी उत्पादन में आर्थिक लाभ को देखते हुए उन्होंने अपनी खेती योग्य जमीन पर भी सब्जी उत्पादन शुरू किया और इस कार्य में उन्होंने कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों से तकनीकी सलाह ली। सब्जियों में भी उन्होंने सबसे ज्यादा परवल की खेती पर जोर दिया, जिसमें उन्हें एक फसल में लगभग 25,000 रुपए का लाभ हुआ। इसी प्रकार उन्होंने प्याज की खेती पर भी जोर दिया और लगभग 8,000 का लाभ कमाया। इसके अलावा माया देवी मौसमी सब्जियों का उत्पादन कर अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर बना रही हैं। सबसे पहले मैंने गृह वाटिका एक बनाई एक बिसुए में। उसमें मैंने गाजर, मूली, पालक, सरगम, चुकंदर यानी सारी चीज अपनी सब्जी उपलब्ध की। उससे भी मुझे बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ। उससे मैं अपना सारा खर्च चलाती हूँ। हमारा बहुत अच्छे से परिवार चल रहा है। माया देवी न सिर्फ सब्जी उत्पादन का कार्य कर रही हैं, बल्कि पशुपालन के क्षेत्र में भी आगे बढ़ रही हैं। दुग्ध उत्पादन से माया देवी लगभग 10,000 रुपए सालाना कमा रही हैं। हमारे पास पशु हैं, भैंसे हैं, उससे मैं 15 लीटर दूध निकालती हूँ। अब वो दूधिया को ना देकर बाजार ले जाकर के अपना स्वयं ही धंधा करती हूँ। उससे हमारा अच्छा पैसा निकलता है, उसी से अपना सारा परिवार का खर्च चलाती हूँ। माया देवी ने कृषि विज्ञान केंद्र दलीप नगर के तकनीकी सहयोग से सर्दी के मौसम में मशरूम उत्पादन का भी काम शुरू किया है। सब्जी और पशुपालन से हमने अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया, सब्जी का धंधा किया और हमने अपने बच्चे और बच्चियों की शादी की और अपना घर भी बनवा लिया। इस तरीके से अपना हम परिवार में कल कुशल से रह रहे हैं। माया देवी के पति सुखराम भी उनका खेती और पशुपालन कार्यों में सहयोग कर रहे हैं। माया देवी अपने परिवार के साथ खुशहाल जीवन बिता रही हैं। गांव में उनका मान सम्मान भी बढ़ा है। बदलते भारत की शान।